वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। मैंने प्रेस्टीज ब्रांड का वॉफल मेकर ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से। इसी की अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो चलें इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। इसकी MRP है 1945 रुपीज़, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 1472 रुपीज़ में मिला। छोटे से कॉम्पैक्ट बॉक्स में ये डिलीवर हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग भी अच्छी तरह से की गई है। इसी के साथ इसमें यूज़र मैनुअल लीफलेट है जिसमें इसको यूज़ करने के और मेंटेनेंस के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये वॉफल मेकर 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसको यूज़ करने से पहले इस गाइड को ज़रूर पढ़ लें। इसका मॉडल नंबर है PWM01 और इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी डिसेंट और सिंपल सा लुक है इसका। ये पावर कॉर्ड है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। आई विश कि और थोड़ा लंबा होता तो बेहतर होता। काफ़ी लाइट वेट है ये, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है और इसमें मेंशन किया गया है कि ये हीट रेजिस्टेंट बेक लाइट बॉडी है। एक साथ मीडियम साइज़ के आप इसमें 2 वॉफल्स बना सकते हैं। डाईकास्ट नॉनस्टिक कोटिंग वाले प्लेट्स हैं इसके और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। और 2 इंडिकेटर लाइट्स हैं इसमें, रेड और ग्रीन, जो कि इस वीडियो के आगे में मैं बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। चलें इस वॉफल मेकर को चेक कर लेते हैं कि इसमें वॉफल्स ठीक से बनते हैं या नहीं। इसके लिए मैंने ये वॉफल का बैटर तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी देखने के लिए आप ऊपर दी गई आई बटन पर क्लिक करके इस वॉफल की रेसिपी को देख सकते हैं। वॉफल मेकर के दोनों साइड्स पर ऑयल, घी या बटर से ग्रीस कर लें। इससे वॉफल्स क्रिस्पी होंगे और इन पर कलर भी बढ़िया आएगा। अभी हम इसमें बैटर नहीं डालेंगे, पहले हमें इसको प्री हीट करना होगा। इसको लॉक करने के बाद पावर को ऑन करें। पावर ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि रेड लाइट ऑन हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये वॉफल मेकर प्री हीट होना स्टार्ट हो गया है। जब ये प्री हीट हो जाएगा तो इसमें जो ग्रीन लाइट है वो ऑन होगी। इसका मतलब है कि ये प्री हीट हो चुका है और अब हम इसमें वॉफल बैटर डाल सकते हैं। तकरीबन 2 मिनट लगे इसको प्री हीट होने में। अब ये ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब है कि ये प्री हीट हो चुका है और अब हम इसमें वॉफल्स बना सकते हैं। इस तरह के चम्मच या फिर लैडल से इस बैटर को सेंटर में पोर करें, ये अपने आप ही फैलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको इवनली स्प्रेड करें चम्मच की मदद से और इसमें बहुत ज़्यादा बैटर ना डालें, वरना ये वॉफल मेकर से बाहर आ सकता है। इसी तरह से दूसरे साइड भी बैटर को डालकर इवनली स्प्रेड कर लें। लॉक कर दें इसको अच्छी तरह से। अभी ये ग्रीन लाइट ऑन है बट थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगी। जब ये वॉफल्स कम्प्लीटली कुक हो जाएंगे तो ये ग्रीन लाइट दोबारा से ऑन होगी। तकरीबन 3 मिनट बाद ये ग्रीन लाइट दोबारा से ऑन हुई है। चलें इस वॉफल मेकर को ओपन करके देख लेते हैं कि ये वॉफल ठीक से बने हैं या नहीं। डिज़ाइन तो बढ़िया बना है इसमें और ये अच्छे से कुक भी हुए हैं, पर मुझे और ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर में चाहिए, तो मैं इनको और 2 मिनट तक कुक होने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे इन वॉफल्स को तैयार होने के लिए और आप देख सकते हैं कि इन पर कलर अच्छा आया है और ये अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। वॉफल्स को निकालते वक्त इसमें शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मेटल नाइफ और फोर्क वगैरह का इस्तेमाल ना करें। आप वुडन स्पैचुला या फिर हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसकी नॉनस्टिक कोटिंग ज़्यादा दिन तक चलेगी। ओवरऑल प्रेस्टीज का ये वॉफल मेकर मुझे काफ़ी पसंद आया। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसके प्राइजेस भी अफोर्डेबल हैं। वॉफल्स काफ़ी अच्छे बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मार्केट में खाते हैं। ख़ासकर बच्चों को वॉफल्स काफ़ी पसंद आते हैं और हमने इन वॉफल्स को 10 मिनट के अंदर बना लिया है। पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू।